मेरे चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 4 करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोगों को प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन दिया गया है हम लोगों को साइन इन्वर्स रूट अंडर 3। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोगों को वैल्यू निकालना है साइन इन्वर्स रूट अंडर 3/2 का। जो रूट 3/2 है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए। इसमें हम लोग लेट करेंगे कि लेट साइन इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू थीटा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस इनवर्स को हम लोग क्या करेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे। जब इनवर्स को हम लोग उधर शिफ्ट करेंगे तो हम लोगों को हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 3/2। ये इक्वेशन 1 हो गया। हम लोग जान रहे हैं, वी नो दैट साइन केस में रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, ये होता है साइन 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा साइन π/3 इक्वल टू रूट अंडर 3/2। हम लोग दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेरिजन करेंगे, हो जाएगा यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो आरएचएस तो इक्वल है, तो एलएचएस भी इक्वल हो जाएगा, तो हम लोगों को हो जाएगा थीटा इक्वल टू π/3। तो हम लोग तो इसको तो थीटा लेट किए थे, तो देयर फोर साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 इक्वल टू थीटा। तो थीटा का वैल्यू कितना है, π/3। ये हम लोगों का इसका प्रिंसिपल वैल्यू आ गया। अब इसका हम लोग सेकेंड क्वेश्चन देख रहे हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 दिया गया, तो हम इसमें लेट करेंगे कि लेट साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा। तो इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये इक्वेशन 1 हो गया, 1/2। ये इक्वेशन 1 हो गया। और हम जान रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वी नो दैट, अब देखेंगे साइन के केस में हाफ किसका वैल्यू होता है। ये हो जाएगा हम लोग साइन 30 का। साइन 30 का हम लिख सकते हैं π/6 लिख सकते हैं इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन हो गया 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। तो जब कंपेयरिंग हम लोग करेंगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/6 हो जाएगा। तो हम लोगों को, हम लोग लेट किए थे इसको, थीटा लेट किए थे, तो हम लोगों का आंसर हो गया। देयरफॉर लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/6। ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है cos इनवर्स 1/2। cos इनवर्स 1/2 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू का हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू थीटा, देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। ये इक्वेशन हम लोग को 1 हो जाएगा। हम लोग जान रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट। अब cos के केस में हाफ किसका वैल्यू होता है, तो cos 60 का होता है हाफ। यहाँ पे लिखेंगे cos π/3 इक्वल टू 1/2। ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को π/3 हो जाएगा। हम लोग थीटा इसको लेट किए थे, तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। लिखेंगे देयरफॉर cos इनवर्स 1/2 इक्वल टू π/3।
इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है टेन इनवर्स 1, यहाँ पर लेट करेंगे, लेट टेन इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, तो हम लोगों को हो जाएगा यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू, क्योंकि इनवर्स हम उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1। ये इक्वेशन हो गया हम लोगों को 1। यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट, अब देखेंगे टेन थीटा केस में 1 किसका वैल्यू होता है, तो ये हो जाएगा टेन 45 का, तो टेन पाई बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा 1। 45 का हम लोग पाई अपॉन 4 लिख सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, जब हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो आरचेस तो इक्वल है, तो थीटा हम लोगों को हो जाएगा थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4। हम लोग इसको थीटा लेट किए, हम लोग क्वेश्चन था थीटा, तो पहले हम लोगों का यही इसका आंसर हो गया, देयरफॉर लिखेंगे टेन इनवर्स 1 इक्वल टू पाई अपॉन 4, ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट हम लोगों को दिया गया टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट अंडर 3 दिया गया, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो जितने सारे पॉजिटिव वैल्यू वाला प्रिंसिपल वैल्यू है निकालना, इसमें सेम प्रोसेस यही करना है। निगेटिव आएगा तो उसके लिए फिर अलग रूल है, टेन इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 को हम लोग थीटा लेट करेंगे, थीटा तो अब इनवर्स को इधर शिफ्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोगों को टेन थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन रूट 3, ये इक्वेशन हो गया 1 हो गया। अब हम लिखेंगे वी नो दैट, अब देखेंगे यहाँ पे टेन थीटा केस में 1 अपॉन रूट 3 किसका वैल्यू होता है, ये होता है 10/30 का होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे 10/30 को 10π/6 लिख सकते हैं इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 3, ये इक्वेशन हो गया हम लोगों को 2। लिखेंगे हम लोग कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 विकेट, आरजेस तो इक्वल है तो एलजेस भी इक्वल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हम लोगों को हो जाएगा पाई अपॉन 6। हमने इसको थीटा लेट किया तो यही हम लोगों का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, देर पर हम लिख लेंगे यहाँ पे कि टेन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू पाई अपॉन 6, ये हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसका हम लोग 6 पार्ट देखते हैं। सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 दिया गया, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट सेक इनवर्स थीटा, तो सेक थीटा हो जाएगा हम लोगों को 2 अपॉन रूट अंडर 3 हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी। हम लोग वी नो दैट देखेंगे कि sec थीटा में किसका वैल्यू जो है 2 अपॉन रूट 3 होता है, तो ये हो जाएगा हम लोगों को sec 30 का sec पाई बाई 6 इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3, ये इक्वेशन हो गया हम लोगों को 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 विकेट थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन 6, तो थीटा तो हम लोग इसको लेट किए थे, ये दोनों का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, तो लिखेंगे देयरफॉर सेक इनवर्स 2 अपॉन रूट 3 इक्वल टू 5/6, ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया कॉसेक इनवर्स √2, लेट करेंगे यहाँ पे लेट कॉसेक इनवर्स √2 इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर इनवर्स हम उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा
कोसेक थीटा इक्वल टू है रूट अंडर टू, ये इक्वेशन हो गया हम लोगों को वन। देखो यहाँ पे वी नो दैट, देखें कोसेक थीटा केस में रूट अंडर टू किसका वैल्यू होता है, ये होता है कोसेक पाई बाई फोर का, फोर्टी फाइव का। तो हम लिख सकते हैं वी नो दैट कोसेक पाई बाई फोर इक्वल टू रूट अंडर टू, ये इक्वेशन हो गया टू। देखें यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, कंपेयरिंग करेंगे तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को पाई बाई फोर। इसको हम लोग क्या लेट किए थे, थीटा लेट किए थे, तो हम लोग का देर फोर रिक्वायर्ड आंसर यही हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे कोसेक इनवर्स रूट अंडर टू इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन फोर, ये हम लोगों का इसका आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू में अब क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालना है लेकिन निगेटिव का हम लोगों को निकालना है। जैसे हम लोगों को पहला क्वेश्चन इसका दिया गया है साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन रूट अंडर टू दिया गया, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन रूट टू दिया गया। तो अब इसको हम लोग थीटा लेट करके इनवर्स को उधर नहीं शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि निगेटिव वाला केस आ गया है। तो हमें इसमें सिर्फ दो बात ध्यान देना है कि यहाँ पर रूल देखिए कि साइन इनवर्स टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स, इसका जो प्रिंसिपल ब्रांच होता है, प्रिंसिपल वैल्यू जो होता है, सो माइनस 92 प्लस 90 होता है या माइनस 90 माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू होता है। तो ये यदि साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स के साथ यदि निगेटिव में रहेगा तो इसका जो होता है इसमें किसी के साथ इस तीनों में से साइन इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, या कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और इसको छोड़ के जैसे मान लीजिए हो गया कॉस इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स, यहाँ माइनस रहेगा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स एंड सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स यदि रहता है, इसका प्रिंसिपल ब्रांच कितना से होता है, जीरो से लेके जीरो टू पाई होता है। तो इसमें इसके साथ किसी भी जैसे कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, या कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स रहेगा तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो ये इसका दो कैटेगरी जो होता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग शिफ्ट करेंगे, इसको थोड़ा रूल को थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाई रूट टू है तो कैटेगरी मान लीजिए कि ये वन है और ये क्या है कैटेगरी क्या है टू है, तो ये कैटेगरी वन के अंदर आता है। तो इसका हम लोग इसमें फॉर्मूला यदि यूज करेंगे तो क्या होगा कि इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे वी नो दैट यू नो दैट साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स, जहां पे मान लीजिए सपोज कि ये समझने के लिए ये एक्स तो ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस साइन इनवर्स एक्स, एक्स का जवाब कितना है वन अपॉन रूट अंडर टू। अब लोगों को क्या करना है कि सिर्फ इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, इसे पुट कर देना है। तो यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट साइन इनवर्स वन अपॉन रूट टू इक्वल टू थीटा, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रूट अंडर टू, इसको हम लोग इक्वेशन वन लेट कर लेंगे।
अब हम जान रहे हैं, पर ये तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन पाई बाय 4 इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर 2, क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 होता है। तो यहाँ पे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4। लेकिन हम लोगों को वैल्यू किसका निकालना था, यदि हम लोग इसको थीटा लेट करेंगे तो हम लोग को वैल्यू निकालना था माइनस थीटा का, क्योंकि ये जो है हम लोग इसका ना वैल्यू निकाले हैं पाई बाय 4। जिसके यदि मान लिया सपोज हम लोग थीटा यहाँ पे लेट किए हैं, तो हम लोग एक्चुअली में क्वेश्चन हो गया निकालना माइनस थीटा का, तो ये हो जाएगा हम लिखेंगे देयरफॉर माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 2 इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन रूट 2 का वैल्यू कितना आया है, पाई बाय 4 आया है। तो हम लोगों का इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3/2, तो ये सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। तो हम लोग जान रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि इसको मान लीजिए यदि सपोज कि ये x है, तो ये हो जाएगा हम लोगों को फॉर्मूला जान रहे हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस x इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, ये फॉर्मूला हम लोगों को होता है, क्योंकि ये सेकेंड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। हम लोग देख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं, इसको पाई माइनस कॉस इनवर्स और एक्स है, तो एक्स की जगह पर हम लोगों को है रूट 3/2, इसको इक्वेशन हम लोग 1 लेट कर लेंगे। अब इसमें करेंगे क्या कि इसका वैल्यू हम लोग निकाल देंगे, उसको क्या करेंगे पाई में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट कॉस इनवर्स रूट 3/2 इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट 3/2, ये इक्वेशन हो गया 2। और हम जान रहे हैं कॉस के केस में रूट 3/2 किसका वैल्यू होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है। तो देर हम लिखेंगे कि वी नो दैट कॉस पाई बाय 6 इक्वल टू रूट अंडर 3/2, ये इक्वेशन हो गया 3। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 वी गेट थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 6। अब देखिए तो हम इसको अब यहां पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, हम लोग को वैल्यू किसका निकालना था पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 का, तो ये पाई माइनस इसको हम लोग क्या लेट किए थे थीटा, तो हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा पाई माइनस थीटा की जगह पाई बाय 6, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पाई माइनस पाई बाय 6 इक्वल टू आंसर हो जाएगा हम लोगों को 5 पाई बाय 6, ये इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड पार्ट हम लोगों को दिया गया है कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3, टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट 3 कैटेगरी जो 1 के अंतर्गत आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है हम लोग जान रहे हैं, लिखेंगे यहाँ पे कि टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस इनवर्स एक्स कैटेगरी 1 में, ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस टेन इनवर्स एक्स है मान लीजिए, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3। हम लोग क्या करेंगे इस पॉजिटिव वैल्यू का यहाँ पे वैल्यू निकाल देंगे और उसके पीछे में हम लोग क्या करेंगे माइनस लगा देंगे। हम लोग यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट टेन इनवर्स ऑफ रूट 3 इक्वल टू थीटा, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। तो देयरफॉर हम जान रहे हैं कि टेन 60 का वैल्यू ये होता है, तो ये हो जाएगा 10 पाई बाई 3 इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे सॉरी हम लेट किए हैं, तो
ये हो जाएगा, हम लोग इनवर्स को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू रूट अंडर थ्री हो जाएगा, ये इक्वेशन वन हो जाएगा। अब हम देखेंगे टेन के केस में रूट थ्री किसका वैल्यू होता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे देखेंगे कि टेन सिक्सटी इक्वल यानी पाई बाई थ्री इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर थ्री, ये हो जाएगा इक्वेशन टू हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू वी गेट, जब हम लोग कंपेयरिंग करें थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को पाई अपॉन थ्री। अब देखिए हम लोग को वैल्यू निकालना था माइनस ऑफ टेन इनवर्स ऑफ रूट थ्री यानी कि माइनस, और इसको हम लोग थीटा लिख के थे यानी कि हम लोग वैल्यू निकालना था माइनस थीटा का, तो हो गया माइनस थीटा की जगह पे वैल्यू हम लोग आया पाई बाई थ्री, ये हम लोगों का इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अब अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है सेक इनवर्स ऑफ माइनस टू दिया गया है, तो ये जो सेकेंड कैटेगरी वाला फॉर्मूला है तो हम लिखेंगे कि सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स, तो एक्स यहाँ पे साइनवर्स ऑफ माइनस एक्स है तो एक्स है यहाँ पे टू है, यहाँ पे लिख देंगे पाई माइनस सेक इनवर्स टू लिख देंगे। अब हम लोग क्या करें इसको इक्वेशन हम लोग वन लेट कर लेंगे, हम लोग क्या करते हैं किसका वैल्यू निकाल के पाई में से इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे लेट करेंगे कि लेट सेक इनवर्स ऑफ टू इक्वल टू थीटा, देयरफॉर हम लोग हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा टू, ये इक्वेशन हो गया। हम लोग टू इसको लेट करेंगे, देखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, अब देखेंगे सेक के केस में कितना डिग्री का वैल्यू क्या होता है टू होता है, तो और साठ का वैल्यू हाफ होता है तो ये हो जाएगा सेक सिक्सटी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सेक पाई बाई थ्री इक्वल टू टू हो जाएगा, ये इक्वेशन हो गया थ्री। और दोनों इक्वेशन को कंपेयरिंग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री वी नो वी गेट, यहाँ दोनों इक्वेशन जब लोग कंबाइन करें तो आरएचएस इक्वल ही है, थीटा इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे पाई अपॉन थ्री। अब देखिए हम लोग को वैल्यू निकालना था इतना का, देखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन हम लोग वैल्यू निकालना था पाई माइनस सेक इनवर्स टू यानी कि पाई माइनस इसको हम लोग कितना लेट किए थे थीटा, यहाँ पे देख लीजिए सेक इनवर्स टू को हम लोग कितना लेट किए थे थीटा लेट किए थे, तो हम लोग फाइनली वैल्यू निकालना है पाई माइनस थीटा, तो हो गया पाई माइनस थीटा हम लोगों को आया है पाई अपॉन थ्री, इसके अलग हम लेंगे तो हो जाएगा थ्री थ्री पाई माइनस पाई, तो देयरफॉर हम लोगों को आंसर हो जाएगा टू पाई अपॉन थ्री, ये हम लोगों का इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हम लोग दिया गया है कॉसेक इनवर्स, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस रूट अंडर टू, तो देखिए यहाँ पे ये फर्स्ट कैटेगरी में है कॉसेक के साथ निगेटिव है, तो हम लोग जान रहे हैं इसका फॉर्मूला, लिखेंगे यहाँ पे कि जो साइन इनवर्स वाला है वही फॉर्मूला लगेगा इसका, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जैसे होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये भी हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कि माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स की जगह पर है रूट टू, इतना हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकाल के अब पीछे में क्या करेंगे नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो हम लेट करेंगे कि लेट कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट अंडर टू इक्वल टू थीटा, देयरफॉर इनवर्स को हम लोग उधर ही शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाए रूट अंडर टू, ये हो गया इक्वेशन वन। अब यहां पे लिखेंगे वी नो दैट
अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉसेक के केस में रूट टू किसका वैल्यू होता है। तो रूट टू होता है कॉसेक पाई बाई फोर का 45 पर यहाँ पे लिखेंगे यू नो दैट कॉसेक पाई बाई फोर इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर टू। ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन टू। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू वी गेट, तो ये हो जाएगा हम लोगों को थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन फोर। तो हम लोग को वैल्यू निकालना था किसका, माइनस इसको हम लोग क्या लेट किए थे, हम लोग को वैल्यू निकालना था माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ रूट अंडर टू यानी कि माइनस इसको हम लोग क्या लेट किए थे, देखिए यहाँ पे इसको हम लेट किए थे थीटा। तो हम लोग वैल्यू निकाला माइनस थीटा का, ये हो गया माइनस थीटा हम लोग कितना है पाई बाय फोर। ये हम लोगों का इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट इसका हम लोग देखते हैं सिक्स। अगला क्वेश्चन हम लोग दिया गया है कॉट इनवर्स ऑफ माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो ये देखिए ये भी सेकेंड कैटेगरी का क्वेश्चन है, हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के जगह पे हम लोगों को वन अपॉन रूट थ्री है। हम लोग क्या करेंगे किसका वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे पाई में से इसको माइनस कर देंगे, इक्वेशन हम लोग वन लेट कर लेंगे। यहाँ पे लेट करेंगे लेट कॉट इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू थीटा, तो देयरफॉर कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा वन अपॉन रूट थ्री। ये इक्वेशन हो गया हम लोग को टू। अब हम लोग देखेंगे कि कॉट के केस में वन अपॉन रूट थ्री किसका वैल्यू होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट कॉट पाई अपॉन थ्री कॉट पाई अपॉन थ्री इक्वल टू होता है वन अपॉन रूट अंडर थ्री होता है। कॉट सिक्सटी का वैल्यू कितना होता है वन अपॉन रूट थ्री, इसको हम लोग इक्वेशन थ्री लेट कर लेंगे और दोनों इक्वेशन को हम लोग टू एंड थ्री को कंबाइंड करेंगे या कंपेयरिंग करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे कि फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री वी गेट थीटा इक्वल टू पाई अपॉन थ्री। अब देखिए हम लोग फ्रॉम इक्वेशन वन से यदि आते हैं हम लोग वैल्यू तो निकालना था इसका, लिखेंगे यहाँ पे कि नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ वन अपॉन रूट थ्री, ये हो गया पाई माइनस कॉट इनवर्स वन अपॉन रूट थ्री को हम लोग कितना लेट किए हैं थीटा लेट किए हैं, तो हम लोग वैल्यू निकालना था पाई माइनस थीटा का, तो पाई माइनस थीटा ये हो जाएगा पाई अपॉन थ्री, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा थ्री थ्री पाई माइनस पाई, यानी हम लोगों को फाइनली आंसर हो जाएगा टू पाई अपॉन थ्री, इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अब देखिए थ्री नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इवेल्युएट कॉस ऑफ कर्ली ब्रैकेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू प्लस पाई बाई सिक्स। अब देखिए इसमें हम लोगों को कर्ली ब्रैकेट के अंदर में इतना दिया हुआ, इसका हम लोगों को वैल्यू निकालना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पहले हम लोग इसको सॉल्व करके फिर बाद में इसे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए पहले हम इसको यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉस के साथ निगेटिव है, तो कॉस के साथ निगेटिव है तो हम इसका फॉर्मूला अभी जस्ट पढ़े हैं, किसको लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये सेकंड कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू, इतना लिख सकते हैं इसको। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करके पाई में से इसको माइनस कर देंगे फिर इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर लेट करेंगे कि लेट कॉस इनवर्स ऑफ
थ्री बाई टू इक्वल टू थीटा। तो हम लोग को यहाँ से कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो जाए, रूट थ्री बाई टू हो जाएगा। इसको हम लोग इक्वेशन वन लेट कर लेते हैं। अब हम लोग इतना सारा क्वेश्चन कर लिए तो हम लोग इसका जानते हैं कि कॉस के केस में रूट थ्री बाई टू किसका वैल्यू होता है। ये हो जाएगा हम लोगों को कॉस थर्टी, तो कॉस पाई बाई सिक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर थ्री बाई टू, ये इक्वेशन हो जाएगा टू। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को पाई अपॉन सिक्स हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों को इसमें इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। हम लोग को एक्चुअल में वैल्यू निकालना था इसका, इसको मान लीजिए इक्वेशन वन मान लेते हैं, ये टू है और ये है थ्री। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री से समझिए, यहाँ पे लिखेंगे नाउ फ्रॉम वन। तो देखिए वन में हम लोगों को था क्या कि पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू था, तो यानी कि वैल्यू हम लोगों को निकाला था पाई माइनस थीटा। इसको हम लोग क्या लेट किए थे, थीटा लेट किए थे। तो ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई सिक्स। इसको हम लोग एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सिक्स पाई माइनस पाई बाय सिक्स, ये हो जाएगा हम लोगों को फाइव पाई बाय सिक्स। यानी फाइनली ये समझिए कि इसका वैल्यू कितना हो गया हम लोगों को, फाइव पाई बाय सिक्स हो गया, क्योंकि इसी को हम लोग यहाँ पे ये सॉल्व किए हैं। तो हम लोगों को हो जाएगा यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सॉल्व किए हैं, इस पार्ट को हम लोग सॉल्व किए हैं, तो हम लोग को आ गया फाइव पाई बाय सिक्स। इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे कितना आ जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कॉस, डिनोमेटर में तो एलसीएम सेम ही है, ये हो जाएगा फाइव पाई प्लस पाई हो जाएगा, ये हो जाएगा फाइनली कॉस सिक्स पाई बाय सिक्स, ये हो जाएगा कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस वन। तो फाइनली इसका आंसर हो गया हम लोगों को माइनस वन हो जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए ये क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन के ही जैसा है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें इवैल्यूएट करने के लिए वैल्यू निकालने के लिए तो इसका वैल्यू पहले क्या करेंगे यहाँ पे निकाल लेंगे। इसको पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, उसके बाद हम इसमें पुट कर देंगे। ये साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट अंडर थ्री बाई टू है, तो ये कैटेगरी वन वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, इसको हम लिख सकते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स है कितना रूट थ्री बाई टू। हम लोग क्या करेंगे कि इसका वैल्यू निकाल के उसके पीछे में माइनस लगा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन वन लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम लेट करेंगे लेट साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू इक्वल टू थीटा, देयर फोर साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, ये इक्वेशन हो गया हम लोगों को टू। अब लिखेंगे यहाँ पे कि वी नो दैट कि साइन, अब साइन के केस में कितना डिग्री का वैल्यू रूट थ्री बाई टू होता है, साइन पाई बाय थ्री यानी साठ डिग्री का वैल्यू होता है रूट अंडर थ्री बाई टू, ये इक्वेशन हो जाएगा हम लोगों को थ्री। हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वेशन कंबाइन करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री, वी गेट थीटा इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम लोग कंपेयरिंग करेंगे थीटा इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को पाई अपॉन थ्री। देखिए हम लोग को वैल्यू निकाला था इक्वेशन वन से आएंगे तो हम लोग इसका वैल्यू निकालना था, लिखेंगे यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन माइनस साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू का वैल्यू निकालना था, तो ये हो जाएगा माइनस, इसको तो हमने थीटा लेट किया था यानी कि माइनस थीटा के वैल्यू हम लोगों को निकालना था, तो ये हो गया माइनस पाई अपॉन थ्री इसका वैल्यू हो गया। यानी कि फाइनली हम लोगों को इसका वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाई टू का वैल्यू कितना हो गया, माइनस पाई अपॉन थ्री, हम लोग इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को साइन पाई बाई टू माइनस, और ये हो जाएगा इसका वैल्यू माइनस पाई बाई
3, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को 2 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा पाई बाय 3 हो जाएगा। इसको हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा साइन 6, ये हो जाएगा हम लोगों को 3 पाई प्लस 2 पाई, ये हो जाएगा साइन 5 पाई बाय 6 हो जाएगा। तो हम लोग इसका वैल्यू यदि पता है तो ठीक है ना, इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन, लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6 लिख सकते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि साइन पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। ये हो जाएगा हम लोगों को साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है हम लोगों को 1/2। ये हम लोगों का इसका आंसर हो गया। इस तरह से आज हम लोग एक्सरसाइज 4A पूरा कंप्लीट कर लिए हैं। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।